हेलो फ्रेंड्स, हम नए वीडियो में फिर आए हैं आपके लिए आज फंड बेस अकाउंटिंग को लेते हुए। इससे पहले एनपीओ में मैंने आपको बताया था डिटेल्स में कि एनपीओ क्या होता है, इसके बाद मैंने आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बताया था, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक लेंथी प्रोसेस है, इसके लिए हमने पहले थोड़ा डिस्कस करें उसके बेसिक टॉपिक्स के बारे में, सब्सक्रिप्शन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास, स्टेशनरी कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम या आपके पास मेडिसिन कंज्यूम, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया पिछली वीडियोस में। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, फंड बेस अकाउंटिंग। इस फंड बेस अकाउंटिंग में हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था वो तो बिल्कुल कैश बुक जैसा था, रिसीप्ट एंड पेमेंट। लेकिन उसके बाद जब हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें सारी चीजें बारीकी से समझनी होगी। तो बारीकी से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे बिजनेस में दो तरह के फंड्स होते हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड वो फंड होते हैं जिन फंड्स पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी कि इस तरह की मिली हुई कोई भी डोनेशन या कोई भी फंड जो हमारे पास होता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी पसंद के अनुसार उसे खर्च कर सकता है, अपनी पसंद के अनुसार। अपनी पसंद का मतलब यहां है नीड के अकॉर्डिंग, जैसी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को वो उसके अकॉर्डिंग बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल मैं दे सकता हूं, तो मैं जैसे कि जनरल फंड होते हैं, जनरल फंड किसी फंड के लिए कोई डोनेशन हमें मिल रही है अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, कोई नाम उसके ऊपर नहीं दिया गया है, तो ऐसी सभी जो है वो हमारे पास है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जिन्हें हम कैपिटल में इन्वॉल्व कर लेते हैं, सबको हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो हमारे पास है जनरल फंड, कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस, इसमें और भी फंड हम ले सकते हैं जो कि हम अपनी पसंद से खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी कुछ फंड्स ऐसे हैं जो हमारी लायबिलिटी साइड में जब तक बने रहेंगे, जब तक कि वो मेंबर हमारे क्लब में है। जैसे कि हम इसमें एक फंड ले सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, हम यूज तो अपनी पसंद से कर सकते हैं लेकिन ये हमारी लायबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो मिला नहीं है, पूरी लाइफ के लिए हमारे मेंबर ने ये हमें दिया है। तो कोई भी डोनेशन हो, कोई भी रिसीप्ट्स हो, एंट्रेंस फीस हो, तो ये सब कैपिटल फंड का ही पार्ट है, आप इसे कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर जो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसकी इनकम में हम इनको इंक्लूड कर देंगे और लास्ट में जो सरप्लस है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कहने का जो सेंस है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी पसंद से खर्च कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स, कुछ ऐसी डोनेशन रिसीप्ट्स हैं जिसको देने वाला व्यक्ति उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वो चीजें केवल उसी बेसिक पर्पस से ही इस्तेमाल होंगी, तो उस कंडीशन में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये फर्ज होता है, उनका ये काम होता है कि उन्हें केवल उसी पर्पस से इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं आपको बता रहा था रिस्ट्रिक्टेड फंड, तो ज्यादा टेक्निकल जो कंसेप्ट है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फंड्स को डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कोई ये दो फंड्स हैं हमारे पास, एक फिक्स असेट्स फंड और एक प्राइस फंड, जिसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ये गवर्नमेंट जो हमें ग्रांट देती है, एक तो बिना किसी पर्पज के दे सकती है, यदि बिना किसी पर्पज के दे रही है यानी कि हमारे अच्छे काम के लिए हमें ग्रांट दे रही है, तब तो हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस से देती है, जैसे गवर्नर की पार्टी के लिए देना है या कोई ऐसा कोई आपको सेलिब्रेशन कराना है, कोई सोसाइटी के लिए वर्क कराना है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है उसे केवल आप उसी पर्पस से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा। इसके बाद है हमारे पास एंडोमेंट फंड। ये एंडोमेंट फंड बड़ा टेक्निकल सा फंड है, इसको जनरली आप देखते होंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, नहीं भी सुना हो तो अब आप सुन लेंगे, तो उसके बाद आपके लिए नाम ये इस्तेमाल होने के बाद अच्छा लगने लगता है, समझ में आने लगता है, फैमिलियर वर्ड हो जाते हैं। तो एंडोमेंट फंड है क्या? ये फंड है जो कि हमने स्पेसिफिक पर्पस से इकट्ठा किया हुआ है स्पेसिफिक, और इसमें केवल और केवल इसकी जो इनकम है, इसकी जो केवल इनकम है केवल उसका ही इस्तेमाल किया जाता है, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज ये एक्युमुलेटेड होकर जुड़ता रहेगा, एक्युमुलेटेड होकर जुड़ता रहेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन केवल इसके
इसकी इनकम का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि कभी आपने नाम सुने होंगे, जैसे जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड्स हैं, लेकिन कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि मेरे कुछ नाम क्लियर टीम में बताऊंगा, तो जो अवार्ड है किसी व्यक्ति के नाम से है, उन्होंने पर्टिकुलर डोनेशन दी हुई है और उससे जो इनकम हो रही है उस इनकम से उसके अवार्ड्स को दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास होते हैं जैसे एंप्लॉयमेंट फंड, एक होता है एन्यूटी फंड। एन्यूटी फंड ये बेसिकली होता है कि जो डोनेशन है या जो एक अमाउंट है उसको एक पीरियड के अंदर आपको समाप्त करना है, एक पीरियड के अंदर, जैसे 10 साल के लिए, तो 10 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट सहित उसकी 10 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, जो आपको 10 सालों तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एन्यूटी बन जाएगी आपके लिए। एक है मेरे पास लॉन्ग फंड, यानी कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को लोन देने के लिए जो बड़े एनजीओज हैं वो अपने यहाँ एक लोन फंड क्रिएट कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने यहाँ जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉइज उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं इस लोन फंड में से। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स असेट्स फंड। देखिए जो डोनेशन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी डोनेशन मिलती है, तो जो बड़ी बड़ी डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज से मिलती है, जैसे कि आपको कोई स्टेडियम बनाना है स्पोर्ट्स के लिए, तो आपने जब डोनेशन ली कोई स्टेडियम के लिए ली, तो जब स्टेडियम के लिए ली तो आपको बनाना भी स्टेडियम ही पड़ेगा, आप उसे रेगुलर खर्चों में यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिक्स असेट्स फंड एक असेट्स को क्रिएट करने के लिए बनता है जब तक कि वो असेट्स बन नहीं जाती, तो जो फंड हम बना रहे हैं उसको धीरे धीरे हम असेट्स में कन्वर्ट करते रहेंगे और वो फंड मेरा कम होता रहेगा। तो इसके मैं एग्जाम्पल के यहां मैंने बनाया हुआ है इसके डिटेल में कि समय बर्बाद ना हो। तो फिक्स असेट्स फंड, तो फिक्स असेट्स फंड यानी कि जितनी भी डोनेशन मुझे पहले से मिली हुई है, जो फंड मेरे पास बचा हुआ है उस फंड में इस साल के अंदर करंट ईयर के अंदर जो भी डोनेशन मिली हुई हो, डोनेशन फॉर फिक्स असेट्स इन करंट ईयर इस साल के अंदर जो मुझे डोनेशन मिली है वो उस फंड में जुड़ जाएगी। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस यानी कि आप फिक्स असेट्स बना रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की पवेलियन बना रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उन बिल्डिंग्स को बनाने में आपका खर्चा होगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जितना आपका खर्चा होता जाएगा उतना फंड यहां से कम होता जाएगा, उतना फंड यहां से कम होता जाएगा और ये आपके लिए एक असेट्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? असेट्स, यानी कि जो हम माइनस कर रहे हैं लेस एक्सपेंसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स असेट्स, ये आपके लिए असेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह से वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स फंड, सॉरी स्पोर्ट्स का जो हमने वो बनाया है पवेलियन वो बन जाएगा हमारे यहाँ। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि फंड कभी समाप्त नहीं होता, एक तो इससे असेट्स क्रिएट हो जाएगी और इतने ही पैसे जितने मैं यहां से माइनस कर रहा हूं हमारे कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगे, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगे। ये एक स्पेशल पॉइंट है, यहां पर अधिकतर सभी बच्चे गलती करते हैं, इवन कुछ टीचर्स तक यहां गलती कर देते हैं। तो यहां ध्यान देना है कि जो एक्सपेंसेस आप कंस्ट्रक्शन के लिए यहां से माइनस कर रहे हैं, एक तो ये हमारी असेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा ये हमारे कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास एक फंड बचा है प्राइस फंड। ये प्राइस फंड है, टूर्नामेंट फंड हो सकते हैं, प्राइस फंड हो सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर दे रहे होते हैं हमें। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। तो अब कोई सा भी फंड हो, चाहे वो प्राइस फंड हो, चाहे वो हमारा टूर्नामेंट फंड हो, किसी भी तरीके का कोई भी फंड हो, वो सब एक ही तरीके से ट्रीट होंगे, यानी कि उनके ओपनिंग बैलेंस में हम ऐड कर देंगे कोई डोनेशन यदि हमें स्पेसिफिक मिली है उसी पर्पज से। तो दूसरा, इस तरह के फंड्स का जनरली हम पैसे को बाहर इन्वेस्ट करके रखते हैं जिससे कि हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, तो जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट हम इस फंड में ऐड कर देंगे और इससे हमारा फंड बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि कोई और रिसीप्ट्स हमें इस फंड से रिलेटेड मिली हो, यहां मेरा कहने का मतलब यह है, जरूरी नहीं है जब प्राइस फंड बना रहे हैं, यानी जिस फंड को बना रहे हैं उसी फंड से रिलेटेड, केवल उसी फंड से रिलेटेड जो इनकम होगी वो सब उसमें ऐड होती जाएगी। और जब भी आप प्राइस अवार्ड करेंगे, यानी कि अगर मैंने प्राइस फंड बनाया है तो ये माइनस केवल तभी होगा जबकि आप प्राइस पर पैसा खर्च करेंगे,
यदि मैं टूर्नामेंट फंड बनाता तो केवल तभी माइनस होता यदि टूर्नामेंट के लिए खर्च करता, यानी जिस पर्पस से आप खर्च कर रहे हैं केवल तभी माइनस होगा, और जो बचा हुआ बैलेंस है ये हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्राइस फंड के नाम से शो किया जाएगा। ठीक है बिल्कुल। तो मैंने इसमें आपको ये सारे फंड्स के बारे में डिस्कशन किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए किसी भी एनपीओ को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीधा डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, और कैसा आपको ये लगा इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन करें जिससे कि मेरी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।